और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है पंजाब की घमासान पर। बड़ी डेवलपमेंट ये कि पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पर वोटिंग कराई गई है। सुनील जाखड़ को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। वोटिंग से विधायकों की राय भी जानी गई है। तो सोर्सेज के हवाले से ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पंजाब का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री के नाम पर वोटिंग कराई गई है। सुनील जाखड़ को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या इसी के साथ अब सुनील जाखड़ के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ समझे, क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, अभी भी सुनील जाखड़ के नाम पर फाइनल मोहर जो है वो दिल्ली से लगकर आएगी, लेकिन जिस तरह से मामला फंस गया था एक बार फिर से, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया था कि अगर उनकी मर्जी के बिना, उनके उनसे बातचीत के बिना किसी को सीएम बनाया गया तो फ्लोर टेस्ट के लिए कांग्रेस को तैयार रहना पड़ेगा। तो फ्लोर टेस्ट की नौबत ना आए इससे पहले ही अपने विधायकों की राय ली गई है, और इस वक्त जेडब्ल्यू मैरियट होटल जो है चंडीगढ़ का, वहां पर कई विधायक जुटे हुए हैं और केंद्रीय पर्यवेक्षक भी यहाँ पर है, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी यहाँ पर है, और इसके अलावा जो विधायक यहाँ पर किसी कारण से पहुंच नहीं पाए उनको फोन करके उनकी राय ली गई है। बकायदा उनकी फोन की रिकॉर्डिंग की गई है ताकि बाद में कोई विधायक ये ना कहे कि हमसे राय लिए बिना ही आला कमान ने कोई भी नाम तय कर दिया। अब माना जा रहा है कि सुनील जाखड़ का नाम एक बार फिर से सीएम रेस में आगे हो गया है, लेकिन फाइनल मोहर जो है वो दिल्ली केंद्रीय आला कमान से लगकर ही आएगी। शुक्रिया आपका मोहित, आप नजर बनाए रखिएगा। तो विधायकों से कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग कराई है कि कौन है उनका पसंदीदा मुख्यमंत्री। अभी तक जो जानकारी है सबसे आगे वोटों की गिनती में सुनील जाखड़ का नाम सामने आ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।